नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। आपको बता दें, शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जहां बताया गया है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका छठा चरण का जल्द से जल्द प्रक्रिया समाप्त करके सातवां चरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और उसके बाद जल्द से जल्द जो शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं उनकी नियुक्ति होगी। आपको बता दें, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल हो या फिर पटना की सड़क हो, उस पर आंदोलन कर रहे थे और लगातार अभ्यर्थियों की मांग थी कि हमारी बहाली हो। आपको बता दें कि छठा चरण का जो प्रक्रिया है वो लगातार हो रहा है, और लगातार अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द से जल्द छठा चरण की प्रक्रिया खत्म करके सातवें चरण की प्रक्रिया लाई जाए और हमारी बहाली की जाए, क्योंकि हम बेरोजगार हैं और परेशान हैं। इसी बीच आपको बता दें, शिक्षा विभाग की तरफ से एक खबर निकल के आया है जहां पर कहा गया है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हैं, उनकी जल्द से जल्द सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करके जल्द से जल्द उनको बहाल किया जाएगा। आपको बता दें कि 14 से 16 मार्च तक यह प्रक्रिया छठे चरण की समाप्त कर ली जाएगी, वहीं होली के बाद से जो सातवें चरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो दर दर भटक रहे हैं क्योंकि बेरोजगार है। बिहार में बात कर ले तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार जहां दावा करते हैं 19 लाख रोजगार का, उनका दावा फेल है। नीतीश कुमार लगातार दावा करते हैं कि बिहार में रोजगार है और जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को भी रोजगार मिल रहा है बिहार में, और हम दे रहे भी हैं। इसी बीच आपको बता दें, शिक्षा विभाग की तरफ से बीते दिनों एक खबर निकल के आई जहां कहा गया था कि मार्च के बाद से सातवें चरण की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी। शिक्षा मंत्री भी लगातार कहते हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वह बस आश्वासन रहता है लेकिन बहालियां नहीं होती है। पहले भी बहुत बार आश्वासन मिला है अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि हमेशा शिक्षा मंत्री हंस हंस के बस बात करते हैं, हमको बोलते हैं कि नौकरी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिलती है। अभ्यर्थी परेशान है, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फिलहाल एक खबर है, खबर यह है कि अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति होगी और अप्रैल माह में जो सातवें चरण की प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो जाएगी। यह देखने वाली बात होगी कब तक अभ्यर्थियों को नौकरी मिलती है, लेकिन फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि इस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है। होली तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, अप्रैल के प्रथम सप्ताह के सातवां चरण आरंभ किया जाएगा। होली के पूर्व छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो सातवें चरण की प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो जाएगी। और देखने वाली बात होगी अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक होती है और अभ्यर्थी शांत कब तक होते हैं और कब तक बहाल होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे एनबीसी 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, तमाम अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।